वेलकम बैक टू अकेडमी ऑफ बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो भाई आज है 13 जुलाई और कल 14 जुलाई को है तुम्हारा एमडीयू का लाइफ साइंस का एंट्रेंस एग्जाम। उसी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी करने का कोई मोटो नहीं है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कई बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग। तो मैं क्लियर कर दूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2024 के प्रोस्पेक्टस में साफ साफ मेंशन है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। फिर एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ तो एडमिट कार्ड के साथ साथ तुम्हें अपनी कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ में लेके जाना है। तो ये गलती मत करना कि कोई आइडेंटिटी प्रूफ तुम लेके ना जाओ और बाद में कोई पंगा होता घूमे, खामखा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये दो चीजें होगी जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारी एग्जाम के टाइमिंग को लेके थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। देखो जब तुम एग्जाम देते हो तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्टली तो नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगा जो मेरे से गलती हुई थी, कि वो सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट में आंसर्स को मार्क कर लेते हैं और ओएमआर शीट में ये सोचते हैं कि बाद में फिल करेंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन बुकलेट से क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें मार्क करते ही ओएमआर शीट में साथ साथ आंसर मार्क कर लेना, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है, 1.5 घंटा वहां नहीं होता है, ठीक है। तो तुम ये सोचोगे कि एंड में मार्क कर देंगे ओएमआर शीट में, तो उसमें तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टाइम इतना जल्दी जाता है जब पेपर देने तुम बैठते हो, तुम्हें आइडिया नहीं होता बिल्कुल, और जब बहुत